टीवी जगत में इंडिया का अगर कोई सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो है तो वो है इंडियन आइडल। और शो का 12वां सीजन भी खूब धमाल मचा रहा है और शो के सभी कंटेस्टेंट्स एक से बढ़कर एक हैं। यूं तो इंडियन आइडल में शो के कंटेस्टेंट्स को लेकर कई रोचक बातों का खुलासा हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है ये कंटेस्टेंट्स पहले भी अन्य रियलिटी शोज में नजर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, इनमें से कुछ तो शो के विनर भी रह चुके हैं। आइए तो हम बताते हैं आज के इस वीडियो के जरिए। तो शुरुआत करते हैं शो की सबसे सुरीली सिंगर अंजलि गायकवाड़ की। दोस्तों अंजलि गायकवाड़ एक म्यूजिकल फैमिली से है। उनके पिता अंगद गायकवाड़ एक सिंगर और परफॉर्मर हैं। साथ ही उनकी बहन नंदिनी गायकवाड़ भी एक क्लासिकल सिंगर है। साल 2017 में अंजलि ने सारेगामापा लिटिल चैंप्स में हिस्सा लेकर सभी को अपने टैलेंट से खुश कर दिया था। बता दें कि अंजलि इस शो की विनर भी रही थी। जी हाँ, वहीं सिंगर सानमुख प्रिया को अपनी आवाज और सिंगिंग का टैलेंट अपनी माँ से मिला है, जो खुद भी एक सिंगर हैं। सानमुख सिंगिंग के अलावा पढ़ाई में भी अच्छी है। बता दें कि इंडियन आइडल से पहले सानमुख प्रिया सुपर सिंगर, जूनियर सुपर सिंगर, वॉइस ऑफ इंडिया किड्स और सारेगामापा लिटिल चैंप्स तेलुगु में भी नजर आ चुकी है। और दोस्तों वहीं अगर बात करें शो में सभी के चहेते सिंगर पवनदीप राजन, जिनका भोलापन और टैलेंट दर्शकों और इंडियन आइडल में आने वाले मेहमानों को खूब भाता है, वो भी एक रियलिटी शो के विनर रह चुके हैं। जी हाँ, खबरों के मुताबिक साल 2015 में आई रियलिटी शो द वॉइस ऑफ इंडिया के विनर पवनदीप राजन बने थे। वहीं सिंगर सोहाई भाट को उनकी आवाज के लिए काफी प्यार मिलता रहा है। हालांकि वे कभी किसी शो के कंटेस्टेंट नहीं रहे, लेकिन इंडिया के कई अलग अलग कॉन्सर्ट्स में सोहाई भाट को गाते हुए देखा गया है, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इनके अलावा सिंगर साइली कामले, जिनकी सुरीली आवाज को इंडियन आइडल 12 में खूब सराहा गया, लेकिन खबरों की माने तो साइली को इस तारीफ की आदत है, क्योंकि इससे पहले वह गोरु महाराष्ट्र चा और मम्मी के सुपरस्टार जैसे रियलिटी शोज में नजर आ चुकी है। जी हाँ, वहीं पश्चिम बंगाल से आई सिंगर अरुणिता कांजीलाल को उनकी सिंगिंग के लिए खूब जाना जाता है। हालांकि एक बात जो फैंस नहीं जानते वो यह है कि अरुणिता साल 2014 में आई सारेगामापा लिटिल चैंप्स बांग्ला को जीत चुकी हैं। दोस्तों इंडियन आइडल के सबसे मजबूत सिंगर्स में से एक मोहम्मद दानिश भी एक म्यूजिकल फैमिली से आते हैं और वे एक नहीं बल्कि दो सिंगिंग शोज का हिस्सा रह चुके हैं। इंडियन आइडल सीजन 12 से पहले उन्हें द वॉइस ऑफ इंडिया 2 और द वॉइस ऑफ पंजाब सीजन 6 में देखा गया था। जी हाँ, वहीं पुणे के रहने वाले सिंगर आशीष कुलकर्णी न सिर्फ बढ़िया सिंगर हैं बल्कि गीतकार भी हैं। आशीष ने साल 2008 में सारेगामापा लिटिल चैंप्स मराठी को जीता था। साथ ही साथ आशीष के गाए गाने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल हैं। इनके अलावा सिंगिंग और एक्टिंग का टैलेंट रखने वाले नचिकेत लेले पहले से ही एक फेमस सिंगर हैं, जो इंडियन आइडल 12 में नजर आ चुके हैं। साल 2016 में नचिकेत ने सारेगामापा में हिस्सा लिया था और 2018 में उन्होंने सारेगामापा मराठी को जीता भी था। इनके अलावा नचिकेत को कई अलग अलग कॉन्सर्ट्स में गाने के लिए भी जाना जाता है। और दोस्तों आखिर में बात करते हैं सिंगर निहाल तावरो की। बता दें कि मंगलोर के निहाल तावरो ने वॉइस ऑफ ओडीपी नाम के रियलिटी शो को जीता था। इसके अलावा उन्होंने सारेगामापा कन्नड़ के 15वें सीजन में भी हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं, निहाल ने दुनिया भर के कई देशों में अलग अलग स्टेज शोज भी किए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे दोस्तों इन सभी सिंगर्स में से आपका फेवरेट सिंगर कौन है, अपने जवाब कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं।